भक्तों चार लाइनें कहूंगा उस मैया के चरणों में जिस माँ ने हमें पाल पोस करके बड़ा करा। सुनिए, हो मतलब की प्रीत तुमको कि मतलब की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी और पैसे की प्रीत तुमको भरी बाजार में मिलेगी। वो प्यार तो मिलेगा, प्यार तो मिलेगा संसार में सभी से, पर माँ की ममता एक बार ही मिलेगी। सुनिए कि बताया है कि आज के कलयुग में उस माँ के साथ क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं। सुनिए कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो सुभगवती से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर चार बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। और ये सुनिए कैसे बता दिया कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी और ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। अरे चलेंगे कैसे, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी और ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, जीवन और ले ले माँ जन्मदाता माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए, नौ महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, माँ के चरणों में सारी जिंदगी सेवा करने के लिए लगा दे लेकिन उसका एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। क्यों? कि नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, जन्म देती है हमको पालती है माँ, कि माँ ने पैदा किया तो अपने पहचान है माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। कौन कौन उस माँ को भगवान मानता है एक बार हाथ उठा करके जरूर बताइएगा, जयकारा लगा दीजिए, बोलो जन्म देने वाली मैया की। और आइए ये होती है माँ की ममता, एक किस्सा लेकर के चलूंगा सभी के समक्ष। ये है माँ की ममता, ये है ये है माँ की ममता, 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 ये है
माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। सुनिए, ये होती माँ की ममता कैसी कि जब अपने घर से कोई जवान बेटा कमाने के लिए परदेश में जाता है तो घर वालों से फरमाइशें आती हैं, कैसी कैसी सुनिए। जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा, कि जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइश होता, शुरू दौर होता है फरमाइश होता। वो जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरूदार होता है फरमाइशों का, शुरूदार होता है फरमाइशों का। अरे छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है जा रहे हो मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। कि छोटा भाई कहता है कि भाई अगर प्रदेश में जा रहे हो तो मेरे लिए गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। अगर उस माँ की बात अच्छी लगी तो ताली बजा के जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए को वो माँ क्या कहती है। मगर माँ कहती है, मगर माँ कहती है तू कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, लाल वापस मेरे घर को आए। ये होती है माँ की ममता। एक बार चाहता हूँ दोनों हाथ सीधे करके उस माँ के चरणों में, मैं अपने लिए ताली नहीं बजाऊंगा, एक बार दोनों हाथ सीधे करके उस माँ के चरणों में ताली बजाते कहिएगा, ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। भक्तो एक कहानी याद आ रही है, आप सभी की मर्जी हो तो सुना दूं। एक बार कौन कौन सुनना चाहते एक बार हाथ उठा करके, क्या बात बोलूं, सच्ची दरबार की कहानी सुनाऊंगा, मिलकपुर धाम की। एवा प्रेम से बोल दीजिए बाबा मोहन राम की। बाबा मोहन राम जी के दरबार कौन कौन से भक्त गए हैं एक बार हाथ उठा करके बता दो, क्या बात है, संख्या कम है लेकिन बता दूं, एक पावन दरबार मेरे बाबा मोहन राम जी का दरबार। उस दरबार में होली वाली दिनों पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की घटना, एक छोटा बच्चा कहता है कि माँ मुझे मेले में घूमने जाना है, लेकिन वो माँ कहती है बेटे तू अभी छोटा है तू खो जाएगा, लेकिन वो बच्चा जिद चला बैठता है। सुनिएगा, एक जिद चलाने का जरिया कि वो बच्चे के उस बच्चे के साथ क्या होता है उस मेले में, सुनिए। मिलकपुर धाम में, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मार पीटने की देखने की तैयारी, मार पीटने की देखने की तैयारी, दुल्हा दूल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है, लाल को गोद लिए, लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी। कि सुनिए, अरे जो मांगा लाल ने माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाल को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुला। सुनिएगा फिर क्या होता है। भीड़ जोरों की थी, भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, इसी बीच में माता का साथ छूट गया, कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी अपने घर में ही छुपाया था। आप सभी को पता है जब एक माँ का बच्चा एक माँ से बिछड़ जाए तो माँ की क्या हालत हो जाती है। अरे ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई, आए बच्चा चुर गया, लेकिन उसने उस बाबा से लगन
नहीं तोड़ी। उसे भरोसा था कि अगले साल वो मेला आएगा और अपने बच्चे को ढूंढने फिर से जाऊंगा, मेरा बच्चा मुझे दोबारा से मिलेगा। अरे बाधिक साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। सुनिएगा, वो माँ उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है। सुनिए, वही औरत, कौन सी औरत जिसने उसका बच्चा चुराया था। मेरा भजन समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार जिस को समझ में आ रहा है हाथ उठा करके बता दो, क्या बात है, मेरा भी गाने का फायदा होना चाहिए कुछ। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे हो अपना लाल बन सवर के आई थी। जब असली माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, अपने पति से कहती है, अरे अपने पति से कहने लगी, अरे मुन्ना वो हमारा है, अरे झपट कर छीन लिया, ना सोचा ना विचारा है। अब दोनों मैया की आपस में लड़ाई होती है। नकली माँ कहने लगी, नूरे नजर मेरा है। असली माँ कहने लगी, असली पिशर मेरा है। तो वहां पर पब्लिक होती है, बस थोड़ा सा रह गया, फिर आपकी मर्जी है। जो पब्लिक कहती है अगर बच्चा इसके पास है दूसरी का होगा, तो असली माँ से कहते कि तू को उसकी पहचान ही बता। तो कहती है, अरे नकली माँ कहने लगी, अरे छोड़ दे मेरा दिल है। असली माँ कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। सुनेगा फिर क्या होता है, शोरगुल सुनकर वहां पर पे पुलिस आई है। बच्चे को लेकर के वो दोनों को उसने छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बाद कुछ रोज के मैया अदालत पहुंची, जो नकली माँ थी वो वैर वकालत पहुंची। जब दोनों माएं कोर्ट में पहुंचती हैं, तो जज साहब के सामने फिर से लड़ाइयां करती हैं, और जज साहब कहते हैं, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा केस नहीं आया, इस केस को मैं कैसे सुलझाऊं। तो सुनीगा कहती है, अरे वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, और कहते हैं, फैसला देता हूँ शक्ति मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूँ शक्ति मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूँ शक्ति मेरा भगवान रहे। और भगवान को साक्षी मानकर जज साहब पहली बात के माध्यम से कहते हैं, कहा जज साहब ने, कहा जज साहब ने, इस बच्चे के टुकड़े कर दो, कहा जज साहब ने, इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको एक इसकी झोली में कर दो। ये बात सुनकर नकली माँ खुश हो जाती है, और असली माँ की आंखों में आंसू भराते हैं। नकली माँ कहती है, अरे नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार, अरे जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी, पांच की झोली भर दो, ये बात सुनकर फैसला धरा का धरा रह जाता है। लेकिन जज साहब के हृदय में ठंडक नहीं पहुंचती। जज साहब कहते हैं, अगर ये तेरा बच्चा नहीं तो पांच को दे दिया जाएगा। तो असली माँ रो रो करके क्या बात कहती है सुनिएगा, कि जज साहब कि मुझे इसका गम नहीं, कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, और मारो ना मेरे लाल को एक एहसान तुम्हारा होगा। ये बात सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू भराते हैं, और जज साहब कहते हैं, अरे बात ही बात में जज साहब ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला, नकली औरत एक बिछड़े हुए बच्चे को माँ से मिलाना सबसे बड़ी ममता। सुनिएगा, ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। वो तो सच्चे दरबार की, इसलिए कहा कि आज जिन जिन की मैया
जिनके पास है उनसे ही कहना चाहूंगा, अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी और ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी।